प्रधान जी किस प्रकार की चिट्ठी लिखी है? देखिए थोड़ा तेज बोल। हमने पहले जो तीन अध्यादेश आए हैं उनके खिलाफ में तीन अध्यादेश सरकार ले आई है, उस मुद्दे को लेकर के हमने जो है मीटिंग की है, उस वो मुद्दे जो हैं वो किसान के बगावत के हैं, वो किसान के हक में नहीं हैं। देश में जो है व्यापारिकल और कंपनियों को पनपाने के लिए, विदेशी निवेश को बढ़ाने का नाम लेकर के इस देश की जनता को दोबारा से कंगाल बनाने के लिए इस प्रकार की उनके अंदर धारणाएं हैं, उनका किसान पुरजोर विरोध करते हैं। उसी को लेकर के हमने पहले अगस्त के अंदर अगस्त क्रांति के नाम से एक अपना जो है मिशन मनाया, उसके अंदर जितने भी हरियाणा के एमपी थे हमने उन सभी को जो है ज्ञापन दिया और उसके बारे में इन अध्यादेशों के बारे में पूरा अवगत करवाया उनको। उसी प्रकार अब जो है नहीं 1 तारीख से 28 तारीख की मीटिंग में हमने ये फैसला लिया हरियाणा की में, भारतीय किसान यूनियन की में, अगर 1 तारीख से सभी जो है नहीं गाँव से सभी जगह से हरियाणा के अंदर से ये एक पोस्ट कार्ड जो है प्रधानमंत्री के पास में भेजना है और किसान अपनी जो है नहीं दुआ उनसे करेगा, क्योंकि वो देश के कर्णधार हैं, जिस कानून को वो लेकर आए हैं उसी के ऊपर आप जो है विचार करने के लिए इस कार्ड का हम जो है प्रयोग कर रहे हैं। अगर दोबारा से ऊपर प्रचार करके हमारे को ये गारंटी का कानून बनवाया जाए। क्या लिखा है इस कार्ड में? इस कार्ड में ये लिखा है मेरी फसल MSP पर खरीद गारंटी व भुगतान गारंटी का कानून बनाया जाए, जय किसान। अच्छा, पूरे हरियाणा में कितने कार्ड लिखे जाएंगे पीएम मोदी को? ये पूरे हरियाणा के अंदर करीबन जो है नहीं 5 लाख के करीबन लिखे जाएंगे। ये जो कानून बनवाना है, इस कानून की मेन बात है उनका अध्यादेशों का हमने सारा निकाल लिया। किसान वो कितनी मतलब दुनिया भर की में कितनी कंपनियां ने लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसान नहीं इस बात से घबराता, किसान तो इस बात से घबराता है कि उसका उत्पाद का सही हिसाब किताब से खरीदार उसकी कीमत लगे, और उसमें जो है नी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। MSP डिक्लेयर जो है नी भारत सरकार करेगी, MSP कर खरीद करेगी तो भुगतान की गारंटी का भी कानून जो है नी केंद्र सरकार ही लेकर के आएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। इसलिए हमने जो है नी ये एक कार्ड का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को अवगत करवा रहे हैं। अगर हमारा जो है नी MSP खरीद का गारंटी का कानून और भुगतान का कानून, ये दोनों के दोनों ये नया जो है नहीं कानून बना करके हमारे सामने लाया जाए। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रामफल कंडेला, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भारत। आम जनता के लिए ये कार्ड लिखने की जरूरत पड़ी। क्या लिखा गया इस कार्ड में? इस कार्ड में लिखा गया मेरी फसल MSP खरीद गारंटी व भुगतान की गारंटी सरकार दे। पहले तो लोग यूज भी नहीं करते थे इन कार्डों को, हाँ या तो मृत्यु में यूज कराया करते, ये इस ढाल यूज करने पड़ गए, हाँ या मृत्यु हो रही है किसान की, इसे फालतू और मृत्यु भी क्या होगी। ये एक पिक्चर में गाना है कि यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो, ये किसान की यह हालत हो जाएगी। अच्छा, नई शुरुआत करी आपने इस तरीके से जो कार्ड लेकर नहीं मोदी की? नई शुरुआत करी है। क्या नाम आपका? बारू राम अलावत, गांव रूपगढ़, जिला प्रधान जीन भारतीय। ये कार्ड लिखने की मोहब्बत यह है कि जी इस भारत के अंदर 80% किसान खेती के ऊपर निर्भर है, 80% लोग लाभ हो जाएंगे खेती से, और मजदूरी करने के ऊपर तुलने पर भारत सरकार जा रही है किसानों को। भाई इसका मेरी फसल मेरा बेरा है यह गारंटी, MSP खरीद की गारंटी और रुपये की गारंटी भारत सरकार ले। इस कार्ड का मतबल ये पहले मौत में किया करते थे, हम प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते हैं भाई 80% किसानों को इनकी भी सुनाई करे, ताकि हर निचला वर्ग भी किसान के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, तो 130 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। तो हमने जो अंग्रेजों वाला टाइम था उसके कगार से भी ऊपर ना लेके जाए, प्रधानमंत्री से हम हाथ जोड़कर और किसानों के हमारी धरती माताएं हैं ये हमारे पास रहनी चाहिए, ये निजीकरण के और कॉर्पोरेट जा रहे हैं उनके हवाले ना करण दीजिए, और मोदी जी से ये हमारी प्रार्थना है। हम 80% किसान आपसे आग्रह करते हैं भाई इस अवस्था ने न्यू की तो रहने दे और नहीं करे,
हमारी जितने 400-500 एमपी हैं हमारी किसानों की आवाज़ उठाए गए, इसका तीनों अध्यादेशों का विरोध करें ताकि प्रधानमंत्री ने भी यह एहसास हो भाई ठीक है किसान के अभाव में बोल रहे हैं 400-450 एमपी, तो इसका हम सारी असेंबली को भगवान की दया।